जिस प्रकार से चंद होगा जो ध्यान दीजिएगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, इतना आप ध्यान दीजिएगा। इंडक्शन मेथड में केवल और केवल कंडक्टर चार्ज होगा, इंसुलेटर बस को जो है इंडक्शन मेथड से चार्ज नहीं होता है। अर्थात यदि किसी वस्तु को चार्ज करना है तो हम लोगों को केवल और केवल यही ध्यान देना है कि जैसा ही चार्ज करना है, तो जब वस्तु को आप चार्ज कीजिएगा तो या तो उसे पॉजिटिव चार्ज कीजिएगा या तो उसे नेगेटिव चार्ज कीजिएगा। और पॉजिटिव चार्ज होगा कब? जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तब। और नेगेटिव चार्ज होगा कब? जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा। यदि किसी वस्तु को चार्ज करना है तो या तो आप उसे पॉजिटिव चार्ज कीजिएगा या तो उसे नेगेटिवली चार्ज कीजिएगा। तो पॉजिटिवली चार्ज होगा कब? जब इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगा। और नेगेटिवली चार्ज होगा कब? जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहेगा। अर्थात यदि किसी वस्तु को चार्ज करना है तो या तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी करवा दो या तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता करवा दो। देखिए इसको चार्ज करने का किस प्रकार से मेथड होता है, इस प्रकार से देखेंगे। ये अनचार्ज्ड मेटल स्फीयर है। ये क्या है बाबू? अनचार्ज्ड और कुछ मेटल स्फीयर है। ये जो आपका है इंसुलेटेड स्टैंड है। ये क्या है बाबू? इंसुलेटेड स्टैंड। इंसुलेटेड स्टैंड का मतलब होता है कुचालक स्टैंड। कुचालक स्टैंड इसलिए लगाया गया है ताकि इसका अर्थ से कोई कनेक्शन न हो। अगर अर्थ से कनेक्शन हो जाएगा तो पता चला कि हम चार्ज किए हैं वो उसे क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा। जैसा कि आप लोगों को बतला चुके होंगे कि अर्थ से कनेक्शन होने के बाद यदि आपका वस्तु अर्थ से कांटेक्ट कर लेता है उसके बाद इलेक्ट्रॉन कम रहेगा तो लेकर न्यूट्रल कर देता है और अधिक रहता है तो लेकर न्यूट्रल कर देता है। ये जो आपका है वो मेटल स्फीयर है। ये कौन स्फीयर है बाबू? मेटल और कोची स्फीयर जो कि अनचार्ज्ड है। क्या है बाबू? अनचार्ज्ड मेटल स्फीयर है। ये अनचार्ज्ड मेटल स्फीयर कह दिए, इसका मतलब यह कुचालक है कि सुचालक? सुचालक। क्या है बाबू? सुचालक अर्थात कंडक्टर है। इसके समीप पॉजिटिवली चार्ज ग्लास को रेड को लाते हैं। समीप लाना है लेकिन ध्यान देना है कि ये टच न करे, टच न करे। इसके समीप हम पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रेड को क्या करते हैं बाबू? लाते हैं। किसको लाएं बाबू? पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रेड, पॉजिटिवली चार्ज्ड और कौचे बाबू ग्लास रेड, पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रेड। इसका नीति क्या होगा? धनावेश ग्लास रेड को लाए। किसको लाए बाबू? धनावेश और कौचे ग्लास रेड को लाए। जब इसके समीप धनावेश ग्लास रेड को लाए हैं तो होगा क्या? ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का अट्रैक्शन किससे होगा? नेगेटिव से। और पॉजिटिव क्या होगा? दूर हो जाएगा। देखो प्लस है तो प्लस का अट्रैक्शन किससे होगा? अर्थात इधर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गया? अधिकता। और इधर इलेक्ट्रॉन की कमी। अर्थात ये प्लस है तो माइनस को अट्रैक्ट किया और प्लस को रिपीट किया। अर्थात इस इंड में इलेक्ट्रॉन की क्या हो गया? अधिकता। और यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या हो गया? कमी। ये फर्स्ट स्टेप पार्ट ये हुआ। इसके बाद क्या किया जाता है? ये नेगेटिव वस्तु चार्ज होगा कब? जब इसमें से कोई एक न्यूट्रल हो जाएगा, या तो प्लस भाग जाए या तो माइनस भाग जाए। इसमें किया क्या जाता है कि कनेक्टिंग अर्थिंग वायर, कनेक्टिंग अर्थिंग वायर, इसमें कौन वायर को जोड़ दिया जाता है? अर्थिंग वायर को क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। किसके साथ? मेटल स्फीयर के साथ। तो सेकंड स्टेप आपका यही देखिए, ये आपका मेटल स्फीयर था, ये तो आपको दिख रहा होगा, ये इंसुलेटेड स्टैंड है। और शायद आपको पता है ये जो आपका है कौन रेड है बाबू? ग्लास रेड, जो कि मेटल स्फीयर के नजदीक है। लेकिन ध्यान देना है कि टच करवाना नहीं है, जितना समीप लाना है लाइए लेकिन इसमें टच होना नहीं चाहिए। अब इसका सिचुएशन क्या है? इधर इस इंड में ग्लास रेड की तरफ पहुंचिया गया है माइनस, अर्थात इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। और इधर दूसरा सिरा पर क्या है बाबू? क्यों? क्योंकि प्लस है तो माइनस को अट्रैक्ट किया और प्लस को रिपेल किया। ये क्या किया बाबू? इससे कनेक्ट कर दिया गया क्वच अर्थिंग वायर। और अर्थिंग वायर का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन कम है
डिजिटल न्यूट्रल करेगा और ज्यादा है तो ये पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देता है, लेकिन पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन क्या किया देना पड़ेगा, अर्थात इससे इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन बोलो तो माइनस। देखो तो जितना पॉजिटिव था अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी था उतना इलेक्ट्रॉन कौन दे दिया बाबू, कौन दे दिया, और रिजल्ट ये आया कि ये प्लस क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, प्लस क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब इसमें बचा केवल क्या बाबू, माइनस। अब यहाँ रिमूविंग, रिमूविंग का मतलब हटाए जाने पर, किसको हटाए जाने पर, अर्थिंग वायर, अर्थिंग वायर को हटा के देखिए। जब आप अर्थिंग वायर को हटा के देखिएगा तब क्या होगा, ये सिचुएशन इस प्रकार से, ये आपका कौन स्फीयर है बाबू, मेटल स्फीयर, इधर क्या बचा माइनस, लेकिन इधर क्या पॉजिटिव बचेगा कि पॉजिटिव नहीं बचेगा, पॉजिटिव बचेगा मेटल स्फीयर में कि पॉजिटिव नहीं बचेगा, पॉजिटिव क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि पॉजिटिव को कौन बाबू, अर्थिंग वायर जो है वो अर्थ से इलेक्ट्रॉन लेकर क्या किया दे दिया, जिसके वजह से ये क्या हो गया न्यूट्रल हो गया, अर्थात पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है तो बचता केवल क्या है निगेटिव, बचता केवल क्या है निगेटिव। उसके बाद इसमें आप रिमूविंग ग्लास रेड क्या करने पर बाबू, रिमूविंग और कौन से ग्लास रेड, जब ग्लास रेड को हटा देते हैं तब क्या होता है, जो आपका निगेटिव चार्ज है वो चार्ज का गुण होता है वो मेटल स्फीयर के कौचे पर आ जाता है, सतह पर आ जाता है। ये आपका इंसुलेटेड स्टैंड है, इंसुलेटेड स्टैंड है, ये जो आपका था वो मेटल स्फीयर के कौचे पर आ जाता है, सतह पर आ जाता है। और शायद आपको दिख रहा होगा पहले वस्तु क्या था, अंधचर्ज था, वो बाद में क्या हो गया, और इंसुलेटेड स्टैंड का क्या काम है, तो देखो तो ये निगेटिव है ना, वो अर्थ इससे इलेक्ट्रॉन लेकर क्या कर देता, न्यूट्रल कर देता, लेकिन कुचालक का स्टैंड इलेक्ट्रॉन को आने से क्या करेगा, तो रोकेगा, क्योंकि कुचालक वस्तु में इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है, कुचालक वस्तु में इलेक्ट्रॉन का फ्लो, तो कुचालक का स्टैंड क्या करता है, तो देखो तो निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, तो अर्थ इससे लेकर क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, लेकिन कुचालक वस्तु जो है स्टैंड कुचालक होने के वजह से कुचालक वस्तु में इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है, और रिजल्ट ये आता है कि आपका वस्तु जो अनचार्ज था वो क्या हो गया, चार्ज हो गया। देखो पहला स्टार्टिंग में क्या हुआ, ये मेटल स्फीयर क्या था, अनचार्ज था, उसमें क्या हुआ, ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रेड है, तो ये किया क्या, निगेटिव को बुलाया और पॉजिटिव को भगाया, अर्थात इधर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी और इधर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और इसको जब अर्थिंग वायर से कनेक्ट किया तो ये प्लस था, उसको इलेक्ट्रॉन देकर न्यूट्रल कर दिया, कौन अर्थिंग वायर, इलेक्ट्रॉन दिया कहां से, अर्थ से इलेक्ट्रॉन किसमें आ जाता है, मेटल स्फीयर में, और ये होता क्या है कि आपका न्यूट्रल हो जाता है, और जब प्लस न्यूट्रल हो गया तो बचा केवल कौन माइनस, फिर इस ग्लास रेड को हम क्या करते हैं हटाते हैं, तो ये जो निगेटिव चार्ज था वो मेटल स्फीयर के कौचे पर आ जाता है सतह पर, और ये जो आपका इंसुलेटेड स्टैंड जो है वो इलेक्ट्रॉन को पृथ्वी में आने से क्या करेगा, रोकेगा, कोई तरह अगर ये इंसुलेटेड स्टैंड नहीं होता तो क्या होता, तो हम चार्ज किए थे अर्थ इसको क्या कर देते न्यूट्रल, अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन देकर न्यूट्रल करता और निगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन लेकर न्यूट्रल करता, लेकिन न्यूट्रल तो हर अर्थ करता। इसके बाद देखिए एक होता है और है, बोलिएगा ये पॉजिटिवली चार्ज के जगह अगर निगेटिवली चार्ज ग्लास रेड के जगह ये वो नाइट रेड रहता तो ये कौन चार्ज बाबू, एबोनाइट रेड, एबोनाइट पर पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, एबोनाइट पर पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, एबोनाइट पर निगेटिव होता है, निगेटिव है तो ये बुलाएगा किसको, पॉजिटिव को क्या किया बुलाएगा आकर्षण अट्रैक्शन के वजह से, और निगेटिव को क्या करेगा भगाएगा, पॉजिटिव को बुलाया है और निगेटिव को क्या करेगा भगाएगा, देखिए तो ये पॉजिटिव को बुलाएगा और इधर बच गया कौन निगेटिव, इधर क्या बचा निगेटिव, आपको दिख रहा होगा ये माइनस में है बाबू, तो प्लस को अट्रैक्ट करेगा और माइनस को क्या करेगा रिपील करेगा, अर्थात इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा और इधर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगा अधिकता, अर्थिंग वायर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये माइनस जो है उसको अर्थिंग वायर क्या करता है खींच देता है, ये माइनस से कहां चला है अर्थ में इलेक्ट्रॉन चला है, तो इसमें अब माइनस बचा कि केवल प्लस बचा, ये देखो तो निगेटिव है तो प्लस को आपका क्या किया है अट्रैक्ट किए हुए है, जिसके वजह से आपका न्यूट्रल पॉजिटिव न्यूट्रल नहीं हुआ, न्यूट्रल केवल कौन हुआ निगेटिव, क्योंकि इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट किए हुए है एबोनाइट रेड,
तो यहाँ होगा क्या बाबू कि इधर बच गया क्या, निगेटिव था जो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब रिमूविंग ग्लास रेड के बजाय कौन सी एबोनाइट रेड, एबोनाइट रेड को हटाए जाने के ये जो पॉजिटिव है वो मेटल स्फीयर का कौन सी पर आ जाएगा, सतह पर आ जाएगा। चालक स्टेट अर्थ प्लस इलेक्ट्रॉन देकर न्यूट्रल करना चाहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकेगा कौन, इंसुलेटेड स्टैंड। फिर से इसको थोड़ा सा समझिए, देखो तो नेगेटिवली चार्ज एबोनाइट रेड है, माइनस है तो किसको बुलाएगा और माइनस को क्या करेगा भगाएगा, क्योंकि माइनस प्लस में अट्रैक्शन है और माइनस माइनस रिपल्शन है। तो माइनस है तो प्लस को बुलाया और माइनस को क्या किया भगाया, इससे अर्थिंग वायर जब कनेक्ट किया तो माइनस को ये क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या किया अर्थिंग वायर के थ्रू अर्थ खींच लिया। तो ये निगेटिव जो था वो न्यूट्रल हो गया लेकिन पॉजिटिव न्यूट्रल नहीं हुआ, इसका वजह क्योंकि इस पॉजिटिव का अट्रैक्शन किससे है, इस निगेटिव से है, एबोनाइट रेड से है। उसके बाद अर्थिंग वायर को जब हटाया तो इसमें केवल और केवल पॉजिटिव बचा, क्यों, क्योंकि अर्थिंग वायर हटा इलेक्ट्रॉन देकर हटा कि इलेक्ट्रॉन लेकर हटा, इलेक्ट्रॉन लेकर हटा, इसमें केवल बच जाएगा कौन सी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की कमी। और ये जब एबोनाइट रेड को हटाते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है मेटल स्फीयर के कौन सी पर आ जाता है, सतह पर। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर कोई वस्तु कंडक्टर है, अगर कोई वस्तु कंडक्टर है तो वो किस कौन कौन मेथड से चार्ज होगा, फ्रिक्शन कंडक्शन और इंडक्शन तीनों में से किसी भी मेथड के द्वारा चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई वस्तु इंसुलेटर है तो वो केबल और केबल कौन मेथड से चार्ज होगा, फ्रिक्शन और रबिंग मेथड से। इंसुलेटर जो है वो फ्रिक्शन मेथड से ही केवल चार्ज होगा लेकिन कंडक्टर जो है वो किसी भी मेथड के द्वारा चार्ज हो सकता है, अर्थात फ्रिक्शन कंडक्शन और इंडक्शन।